Hi everyone, this is Meenakshi and welcome back to Design Teenage. In this particular video, we are going to discuss the do's and the don'ts you should do in your design entrance exams. So, I thought ki ye video aap logo ke liye bahut zyada necessary hai because literally you have like very few days left in your examination. So I thought, why don't I come on screen and share my experience or the tips and tricks you should follow, because when I was preparing, I was also very nervous and anxious this time pe. And like I was searching for these kind of videos ki kya cheez karni chahiye, kya cheez nahi karni chahiye, or you know, someone who can just tell their experience so that I know ki theek hai ye cheeze hain jo mujhe karni hai ya ye cheeze hain jo mujhe avoid karni hai. So let's just start with the do's. So the very first thing you should do is maintain a timetable. Now maintain a timetable का मतलब ये नहीं है कि दो से तीन मैं ये पढ़ूँगा, तीन से चार मैं ये पढ़ूँगा, पाँच से छः मैं कैट करूँगा, इतने से इतने तक मैं ये ड्राॅइंग करूँगा. नो, इट मीन्स कि जस्ट मेंटेन अ टाइम टेबल फॉर योर द होल सिलेबस थिंग, कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, इतने से इतने टाइम में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है. आई वुड से कि जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डेज जो आपके पास बचे हैं एग्ज़ाम आने से पहले, एंड देन डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंगली, सो दैट कोई भी ऐसा टॉपिक है वो छूटे ना, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो रह ना जाए. सो मेक योर टाइम टेबल वाइजली, ठीक है. द सेकेंड थिंग आई वुड से इज नो योर सिलेबस प्रॉपरली. अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा प्रॉपरली कि क्या क्या सिलेबस होता है. तो प्लीज़ अगर आपका कोई मेंटोर है या आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो या फिर कोई सीनियर है जो ऑलरेडी अभी निफ्ट में है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम एंड आस्क देम द सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस एक्चुअली में आता है, और क्या जो सिलेबस आता है आप वही सिलेबस पढ़ रहे हो या फिर आप आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी पढ़ रहे हो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल ऑन माई इंस्टाग्राम, और यू कैन जस्ट मैसेज अस, वी विल रीच आउट टू यू, एंड वट एवर क्वेरीज यू विल हैव वी कैन जस्ट टॉक टू यू और ट्राई टू सॉल्व दैट, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग आई वुड से मेक योर आइडिया बुकलेट. Now this is something I did and it was very beneficial for me. So I come from a science background, तो मैं design background की थी भी नहीं, तो मेरे लिए things were a little tough. So what I did कि जब examination में बहुत कम दिन थे, तो मैंने एक छोटी सी idea booklet बनाई थी जिसमें topic wise मैं roughly just ideas को draw करती थी. मैं डिटेल ड्राइंग नहीं करती थी क्योंकि डिटेल ड्राइंग में फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एंड एग्ज़ाम में तो आपको एक घंटे ही मिलेंगे ना, तो एक घंटे में आप एनीवेज बहुत ज़्यादा डिटेल ड्राइंग नहीं कर सकते हो. तो व्हाट आई डिड कि मैंने टॉपिक वाइज जो भी आइडियाज़ मेरे माइंड में आते थे, फॉर एग्जाम्पल पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है, तो मैंने ऊपर पोस्टर डिज़ाइन लिखा, उसके नीचे टॉपिक लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टॉप वायलेंस, ठीक है, इस टॉपिक पे मुझे कोई आइडिया है कि हाँ मैं इस तरह से एक प्रॉपर पोस्टर को बना सकती थी. तो जस्ट 5-5 मिनट्स के रफ स्केचेस आई यूज टू ड्रॉ, एक पोस्टर का लेआउट बना लिया, और उसमें जो भी मेरे आइडिया थे कि हाँ मुझे ऐसे करना है, तो मैं उसको बस ड्रॉ करके छोड़ देती थी. जस्ट लाइक दैट फॉर मैस्कॉट्स आई हैड अ लॉट ऑफ मैस्कॉट्स के डिज़ाइंस कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं. For posters, I had for different topics, different designs. For stamps, I had different designs. तो इससे क्या होगा, एक जगह सारी चीज़ें होंगी, एंड जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उसके पहले जस्ट क्विकली यू कैन गो थ्रू दैम, सो दैट आपके दिमाग में जो भी आपने पहले प्रैक्टिस किया है या फिर जो भी आइडियाज़ आपको अच्छे लगे हैं वो वहाँ पर हो. अभी हम डिटेल ड्राॅइंग बनाने जाते हैं ना, तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स आप कितने ही ड्राॅइंग्स कर लोगे, करेक्ट. बट अगर आप आइडिया वाइज अगर आप उसको एक जगह रख रहे हो, तो अगर आप 5-5 मिनट्स की भी ड्राइंग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ही कूल कॉमिक दिखा, ठीक है, उस कॉमिक से अब आपको लगता है कि हाँ आई कैन मेक आई कैन एक्सट्रैक्ट रियली गुड आइडियाज़, और उसको मैं मे बी कॉम्पोजिशन में डाल सकता हूँ. तो जस्ट अपना जो भी आपका आप जो आइडिया बुकलेट बना रहे हो उसमें रफली स्केच कर लो, तो ये भी एक बेनिफिट होता है इफ़ यू आर जस्ट
making your own small little idea booklet. The third thing would be, don't try to use scales and erasers while practicing. अभी स्केल का अगर आप बहुत ज़्यादा स्केल यूज़ कर रहे हो ना, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने स्ट्रोक्स को लेके. ठीक है, तो ट्राई टू लाइक मेक फ्री हैंड ड्राइंग, स्केल यूज़ मत किया करो. जो भी स्ट्रेट लाइन है, हर रोज़ स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करो, सर्कल्स की प्रैक्टिस करो, कर्व्स की प्रैक्टिस करो, तो उससे आपका जो जो ड्राइंग है वो भी इम्प्रूव होगा और ड्राइंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. ठीक है, एंड ट्राई टू लाइक अवॉइड इरेजर्स एज वेल, क्योंकि एग्जाम में जो आपको पेपर में लगाना, दैट इज़ वेरी लाइक थिन, उसका जो GSM होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. तो अगर कम GSM का पेपर है एंड आपने फॉर एग्जाम्पल 6HB की पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर दिया, तो अब आप उसको कितना भी मिटाओ, वो जो उसका मार्क है ना, वो वहाँ पर रह जाएगा. सो दैट्स वाई लाइक ट्राई करो कि अभी से ही इरेजर्स को अवॉइड करो. अगर अभी से आप इरेजर्स को अवॉइड करोगे तो बाद में लाइक मिस्टेक करने के चांसेस कम होंगे, मार्क्स कम आएंगे, आपका जो ड्राइंग है वो प्रॉपरली बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और नीट दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अपडेट योर सेल्फ. ठीक है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं या फिर यू नो हमारी कंट्री में जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही है, ट्राई टू गेट एन अपडेट अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो आपको वो पूछे ही जाएंगे, बट लाइक उनका यूज़ करके आप कैट पार्ट में भी बहुत चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, लास्ट टू लास्ट ईयर एक वेबिनार का क्वेश्चन आया था और मे बी लाइक सम काइंड ऑफ की वर्कशॉप डिज़ाइन करनी है, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्या लाइक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग जूम यूज़ कर रहे थे, मीट यूज़ कर रहे थे. तो अब जिसने जूम और मीट का जो इंटरफेस है वो अच्छे से स्टडी किया होगा या अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, वो बच्चों ने अच्छे से किया वो पेपर में. बट अब सोचो जो लोग अपडेटेड नहीं थे बहुत ज़्यादा कि कैसे क्या फंक्शन करता है या कैसे होता है, तो वो नहीं कर पाए. तो जस्ट ट्राई करो कि आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे अपडेटेड रहो. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर लाइक डूज. लेट्स गो, क्या नहीं करना चाहिए. करेक्ट, नाउ यू नो कि क्या करना है, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या नहीं करना चाहिए. फर्स्ट एंड लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्रैक्टिस एक दिन भी मिस मत करो, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्राइंग है वो डाउनहिल जानी चालू हो जाती है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वुड बी कंटिन्यूटी. ठीक है, कंसिस्टेंसी. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है बट अगर आपके अंदर वो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, तो विद टाइम यू कैन डू रियली रियली ग्रेट. आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक दैट, जो यू नो स्टार्टिंग में जब शुरू किया था उनको कुछ भी लाइक नॉर्मल चीज़ें भी ड्रॉ करनी नहीं आती थी, एंड दे हैव लाइक done really good in their examination and they have secured really good marks. ठीक है, so that would be the first thing I would suggest, कि एक continuity, एक consistency maintain करके रखो. Second would be comparison. Please guys, don't try to compare yourself with any other participant or you know competitor or जो भी aspirant आपके साथ exam दे रहा है, because हर किसी का फोटो अलग होता है, हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है. यू नो ऐसे भी बच्चे होंगे जो 10 साल से ड्राइंग सीख रहे हैं एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड, सो डेफिनेटली यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद दैट पर्सन, राइट. व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू कैन यू नो ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे एंड लाइक ट्राई करो कि. और ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी की ड्राइंग, कोई 10 साल से ड्राइंग सीख रहा है और किसी की ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसके हमेशा लाइक अच्छे मार्क्स ही आएंगे. डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अबाउट हाउ ब्यूटिफुल यू कैन ड्रॉ. डिज़ाइनिंग इज़ अबाउट आप कितना क्रिएटिविटी लाते हो, आपके अंदर कितना डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं. ठीक है, तो रादर ट्राई टू यू नो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाए. ट्राई टू लाइक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जिससे आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सको, एक यू नो प्रॉब्लम सॉल्व कर सको. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी प्लीज गाइज ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी, बिकॉज आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि क्यों डिज़ाइन कर रहे हो, कोई करियर नहीं है.
यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, जाके क्या दर्जी ही बनना है उनको. लाइक लेजिट ये भी नहीं पता कि देर आर सो मेनी फील्ड्स. देर आर लाइक फैशन कम्युनिकेशन जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, देर आर लाइक ज्वेलरी डिज़ाइन, देर आर लेदर डिज़ाइन, देर आर नेटवेयर डिज़ाइन. तो उनको नहीं मालूम, उनको बस ये लगता है कि जिस जो मेन स्ट्रीम वाली चीज़ें हैं वहीं पर जॉब्स होती हैं. सो जस्ट डोंट लाइक आर्ग्यू भी मत करो, जस्ट काम एंड कंपोज रह के बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट प्रैक्टिस करो. ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे और दे विल सी कि हाउ हैपनिंग योर लाइफ इज, तो वो खुद ही चुप हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. एंड कुछ भी क्वेरी हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, यू कैन जस्ट DM us ऑन our Instagram और यू कैन टेक्स्ट us ऑन our WhatsApp नंबर और यू कैन डाउनलोड our app फॉर फ्री स्टडी materials. वहाँ पे देर विल बी अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में. सो डू चेक दैट आउट, डाउनलोड our app एंड ऑल द बेस्ट फॉर your एग्जाम. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाई.